अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। देखने वाले चलिए आज का भी लोग शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं शंघाई पोस्टल म्यूजियम में। ये हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। ऐसा होता नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट में इतनी एक्टिविटीज़ हों, लेकिन ये कि यूकेएस की तरफ से होती रहती हैं। लेकिन अब ये कि हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आज विजिट था पोस्टल म्यूजियम का। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जा रहे हैं और लोकल स्टूडेंट्स भी। इंटरनेशनल से हम तीन थे, एक का प्लान नहीं बना या वो निकाल टेंड नहीं की, तो लिहाजा उसे छोड़ के हम निकल पड़े हैं। हमारे साथ हमारी आईएस हैं जो कि इधर ट्रांसलेटर का काम करेंगी, बिकॉज हमें वो चाइनीज नहीं आती। ठीक है, तो कोई ऐसा बंदा लाजमी साथ होता है जो कि हमें ट्रांसलेट करके बताता रहता है सारी डिटेल्स में। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इधर भी साथ जाएगा चाइना में, इंस्टीट्यूट की तरफ से वहाँ अपनी आई एस ओ साथ जाती है। ठीक है, लाइक फॉर सिक्योरिटी पर्पज और ईच एंड एवरी थिंग इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है बाय शंघाई में। लाइक हम हांचू गए थे, हांचू हमें हमारी आई एस ओ साथ छोड़ने गई थी। ठीक है, प्रोफेसर ने हमें पहले कहा था कि सिक्योरिटी वगैरह ईच एंड एवरी थिंग पहले क्लियर करेगी, देन हमें परमिशन देगी कि वहाँ पर जाना चाहिए। तो ये सारे स्कॉलरशिप के फायदे हैं। इतना प्रोटोकॉल आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता जितना प्रोटोकॉल आपको चाइना में मिल रहा है। हम जितना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी चीज़ के पैसे देने नहीं पड़ते। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे फायदे सिर्फ स्कॉलरशिप की वजह से हैं कि आपको इतना प्रोटोकॉल मिलता है। आपको प्रोफेसर से लेकर आईएसओ से लेकर चाहे जितने भी लोकल स्टूडेंट्स हैं या लोकल स्टाफ हो, आपको वार्मली वेलकम करते हैं। इतना अगर आप कहें कि आपको मिलेगा प्रोटोकॉल पाकिस्तान में, वो नहीं है। चलें लोगों को आगे बढ़ाते हैं। हम पोस्टल म्यूजियम की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। हम जस्ट गाड़ी में हैं। ठीक है, मेरे साथ छह स्टूडेंट्स हैं, एक चाइनीज स्टूडेंट है पीएचडी का। ठीक है, ये ऑलवेज डॉक्टर साहब हैं जो कि मेरे साथ। हे ब्रो, आप मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? सर क्या करें, आप जहाँ पे मैं होता हूँ वहाँ पे आप होते हैं। नहीं, आप मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? यार मुझे किसी और के साथ जाने दे यार, छोड़ दे पीछा यार, मैं तंग आ गया हूँ आपसे। खुदा के लिए भाई आप मेरा पीछा छोड़ दे, मेहरबानी करें। बंदा एंजॉय कर रहा है। ठीक है, मैं जब भी देखता हूँ ना यार कोई हसीन चेहरा नजर आए तो हसीन तो कोई नहीं होता, आपका जरूर नजर आ जाता है। ये मोहब्बतें हैं मेरी जो हर वक्त आपके साथ रहना पड़ेगा। ये हमारी आईएसओ हमारे साथ हैं, अब करवाली है तो जा ही रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं। हमें तो कोई पता नहीं, इनको ही पता किधर जाना है। तो चले जाते जाते आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे अपने रूट के, और फिर इंशाल्लाह पोस्टल म्यूजियम में जाके मुलाकात होगी। शंघाई में जी सबसे बड़ा मसला वो है सिग्नल्स का। आपको जगह जगह रुकना पड़ता है और सही आपका टाइम कंज्यूम होता है इन्हीं इशारों की वजह से। ठीक है, लाहौर में भी रश होता है, लेकिन इधर आपको हर ठीक लाइक आप कह लेंगे आधा किलोमीटर से एक किलोमीटर के दरमियान कोई ना कोई इशारा मिल जाएगा। और यहाँ पर यह कि काफ़ी टाइम लगता है ना ट्रैवलिंग में, लेकिन यहाँ पर यह कि लाहौर के देखा जाए तो लाहौर में तो रश भी होता है जगह जगह चिंगजी और ये सारी चीज़ें, पर यहाँ पर यह कि ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा स्मूथ है। आप देखें, हम जब ये वीडियो शूट हो रही है तो सिग्नल पर ही रुके हुए हैं, कितना टाइम लग रहा है। चलें जी, आपको दिखाते हैं कि शंघाई में जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, अब इनके आपने कनेक्शन देखने हैं। ये चेक करें, ये सारी पेट्रोल फ्री हैं, इलेक्ट्रिक हैं, ना कोई शोर, कुछ भी नहीं, जस्ट सुकून है इधर। चलें जी, पहुंच गए हैं हम पोस्टल म्यूजियम पे, लेकिन कुछ यहाँ पर शूट करते हैं वीडियोस, कुछ क्लिप्स। ब्यूटीफुल सीन देयर। वैसे आप शंघाई आएंगे तो आपको अपने पैसों देना पड़ेगा ऐसी खूबसूरती देखने के लिए। वीज़े के लिए भी लाइनों में लगना पड़ेगा, मशक्कत काटनी पड़ेगी, वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, इनवाइटिंग पर्सन होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ देखने को मिलेगी। अब जिस इधर आए हैं हम, हमारे कोई पैसा नहीं लग रहे, कैब करवाई है तो आईपीएस वालों ने करवाई है। ठीक है, अदर कोई एंट्री फी होगी तो वो भी आईपीएस वाले देंगे। हम सिर्फ इधर हैंग आउट करने आए हैं, देखने आए हैं, व्यूज़ वगैरह देखने आए हैं। ये सिर्फ मिलता है स्कॉलरशिप की वजह से। मैं इसलिए नहीं कहता कि हर बंदे को चाहिए, हर स्टूडेंट को चाहिए वो अप्लाई करें, इतनी मुश्किल नहीं है, लग सकती है स्कॉलरशिप, जस्ट अप्लाई करें। अब आईपीएस की टीम इकट्ठी हो गई है, चलें अब म्यूजियम के चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है।
现在鸡肉也要装上。अच्छा बेस्ट पॉइंट ये है कि आपको चाइना में म्यूजियम बहुत नजर आएंगे, लाइक आपको आप किसी से पूछ लें म्यूजियम की हिस्ट्री बहुत लंबी है इनकी, इनकी डायनेस्टी शुरू होती है पता नहीं किधर खत्म हो जाती है। तो अगर हम हांचू गए थे तो हांचू में उन्होंने ये कहा था कि ये सबसे ओल्डेस्ट जो है वो म्यूजियम है इनका, एंशियंट म्यूजियम है। लाइक शंघाई में हमने एस्ट्रोनॉमिकल म्यूजियम पहले विजिट किया, फिर हांचू में विजिट किया, लियांचू म्यूजियम विजिट किया, अब इनका शंघाई में पोस्टल म्यूजियम विजिट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी एक अरेंजमेंट दी हुई है ईयर वाइज ना, कि कौन सा हमारा एंशियंट है, कौन सा उससे भी उसके बाद आता है, वो हम समझ नहीं सके, असर है हम नहीं समझ सके इसको आज तक। होप्स हो गए शंघाई में या चाइना में रहते हुए समझ जाएंगे इन सबकी हिस्ट्री। हालांकि जब स्कॉलरशिप एडमिशन होता है तो सबसे पहले ये हमें बीजिंग में बुलाते हैं, पहले दो सेमेस्टर वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर हमारा कोर्स होता है चाइना पैनोरमा का। तो चाइना पैनोरमा की क्लास में प्रोफेसर आपको एक तो विजिट भी करवाते हैं जो इनके मशहूर मकाम आते हैं, और इसके बाद वो आपको सारी हिस्ट्री बताते हैं। लेकिन हम कोविड की वजह से नहीं आ सके थे बीजिंग में, लेट आए हैं, तो अब हमें खुद ही विजिट वगैरह करना पड़ रहा है, लेकिन हमें अभी एग्जैक्ट इनकी हिस्ट्री वगैरह का कोई आइडिया नहीं है। अब ये पोस्टल म्यूजियम है इनके, बस व्यू ही कर रहे हैं, बाद में कुछ इंग्लिश वगैरह भी फ्री टाइम में इसके बाद वीडियो के रीड करेंगे कि क्या इनकी हिस्ट्री है। ये आप देख सकते हैं सारे ये पोस्टल के जितने भी हैं, पोस्टल बॉक्स आ जाते हैं सारे, इन्होंने रिप्लेस किए होंगे। ये वो टिकट्स हैं जो एंशियंट वन है इनकी, इन्होंने वो सारी सेव की हुई हैं इधर, क्योंकि ये पोस्टल म्यूजियम है तो आपको हर तरफ इस साइड पे टिकट्स ही नज़र आएंगी। अच्छा जी, अब हमने कर लिया विजिट तो हम जाते हैं वापस, और फिर अब ISO ने हमें कहा कि आप लोगों ने वापस इंस्टीट्यूट में जाना है या इधर हैंग आउट करना है, तो आपकी मर्ज़ी है, आपको टैक्सी का जो चार्जेस हैं पे कर दिए जाएंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इधर हैंग आउट करेंगे, वही प्यारी प्यारी सी इमारतें देखेंगे, दरिया देखेंगे, प्योरयांग देखेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हैं यही पोस्टल म्यूजियम का विजिट करने, स्कूल के हैं। लुक लाइक तो ये कोई कॉलेज के लग रहे हैं, तो उनकी इनके एज डिफरेंस का भी पता नहीं लगता। सबसे जो बड़ा मसला है वो चाइना में एज गैस करना, क्या आप नहीं गैस कर सकते। शंघाई में ये वाली जगह बहुत खूबसूरत है, आवाम आती है इधर, फोटो शूट कर रही है, वीडियो बना रही है, कपल्स आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं सामने, और इधर एक हमारे डॉक्टर साहब हैं ये इधर से फूलों की तस्वीरें बनाते रह गए हैं, हाथ ला लें कैमरे में देख के। एक टाट स्कूल के पढ़े बच्चे ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो इसी शंघाई में आएगा, इनके पैसों पर पड़ेगा, और इतनी बुलंदोबाला इमारतों में आके भी लोग शूट कर रहे होंगे। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ स्कॉलरशिप की वजह से, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की फीसें, इवन जो मिडिल से थोड़े से अपर क्लास है वो भी नहीं अफोर्ड कर सकती फीसें। ये सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो सिर्फ स्कॉलरशिप के पैसे दे सकते हैं आपको अपॉर्चुनिटी, आपको रिहाइश देते हैं, आपके इतने पैसे होते हैं आपके पास, आपका लिविंग एक्सपेंस है वो जो जॉबियन बंदा है उसके कंपेरिजन में इतने होते हैं कि आप वहाँ पर यश ही कर सकते हैं, जस्ट लाइक वी आर डूइंग। अब आप कह सकते हैं ये शंघाई में लाइक डाउनटाउन की तरह ही है, लाइक आप आवाम देख सकते हैं, यहाँ पर ओवरसीज भी आते हैं, यहाँ पर चाइना के लोकल भी आते हैं बहुत, सिर्फ यहाँ पर क्या है कि फोटोशूट के लिए आ रहे हैं आवाम, व्लॉग्स बना रहे हैं, ब्राइडल शूट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं रश यहाँ पर। और ये आ गए जी हम शंघाई टावर पर, ये जैसे कहते हैं ना कि दुबई में बुर्ज खलीफा, वो यही सूरत हाल है, 127 की मंजिलें हैं ठीक है, और इसमें होटल लॉबी रेस्टोरेंट मतलब स्विमिंग पूल जो 127 इसके फ्लोर हैं अबव सी लेवल हैं, और इसके जो 5 हैं वो अंडरग्राउंड हैं,
और आप देख सकते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव हो सकता है जो इसकी लोकेशन है। यहाँ पर फॉरनर्स आते हैं, विजिटर्स बहुत आते हैं लोकल, और पुरसकून सी ये जगह नज़र आ रही है आपको। इस तरह का मौसम हो और कहते ना कि वॉक अलॉन्ग द रिवर विद द कप ऑफ टी, वॉकिंग अलॉन्ग द ट्रेल्स ऑफ शंघाई रिवर अलॉन्ग साइड द शंघाई टावर, दैट्स द बेस्ट मोमेंट यू कैन एवर हैव। ज़्यादा लगा लें कि इधर कितने लोग आते होंगे, जस्ट शंघाई टावर ये आपको नजर आ रहा है पीछे, यही इनकी शंघाई में जो कहते ना कि अगर शंघाई का नाम आए तो शंघाई टावर आता है, ये बंद आती हैं, लेकिन यहाँ पर शंघाई में मोस्टली वहाँ शंघाई टावर विजिट के लिए आती है, इवन ओवरसीज बहुत आते हैं ना, तो आप ये देखें आवाम इंजॉय करने के लिए आई हुई है। इवन ये वीकेंड नहीं है, वर्किंग डे है, और वर्किंग डे में आप रश देख सकते हैं कितना। काफ़ी इंजॉयमेंट की है हमने, क्यों डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप आज की जर्नी के बारे में? लेट मी कंक्लूड द होल ट्रिप इन सर्टेन वर्ड्स दैट इट वाज अमेजिंग एंड वी एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। वी जस्ट केम हियर फॉर टू विजिट द म्यूजियम एंड वी केम हियर एट नाइट एंड यू कैन सी द व्यू द पीपल एंड द एंबियंस इज सो रोमांटिक एंड सो अमेजिंग दैट दिस प्लेस इज जस्ट लव। सो ऑल द वे फ्रॉम द शंघाई। और ये पार्क सिर्फ स्कॉलरशिप की वजह से ही है, हाल सिर्फ स्कॉलरशिप। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।